अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज रिंग रोड मेट्रो फंक्शन हॉल में शहजादे शेख दखन का सालगिरह 35वीं सालगिरह मनाया गया, बड़े ज़ोर व शोर पे मनाया गया। यूँ तो लोग केक काटकर दूसरे का हार, दूसरे की शाल पहनकर बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पे जो शहजादे शेख दखन बिरादराना सजादा नशीन आस्थान आलिया शेख रोज़ा डॉक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन जुनेदी उर्फ गौस बाबा जुनेदी साहब का यौम सालगिरह मेट्रो फंक्शन हॉल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिस प्रोग्राम में इस सालगिरह साहब औलाद का जिस तरह सालगिरह मनाया जाता है, उसी तरह ये साहब औलाद हैं, शेख दखन के औलाद हैं, इसलिए उनको सालगिरह के तौर पर यह प्रोग्राम अरेंज किया गया, जिसमें उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी, मशाखीन हजरात की ज़ेर निगरानी में यह सालगिरह बड़ी धूम धाम से मनाया गया। मैं पूरे मस्जिद के आइमा और मौजन का, हैंडीकैप हजरत का, गुलबर्गा की प्रधानशीन खवातीन इस्लाम मेरी माँ और बहना का, अपनी मसरूफियात को छोड़कर मेट्रो फंक्शन हॉल में आकर डॉक्टर गौस बाबा जुनेदी का सालगिरह अटेंड कर मैं पूरी अवाम की जानिब से शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनेदी उस गौस बाबा के यौम सालगिरह की परखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, 22 दिसंबर यौम पैदाइश जनाब शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनेदी अलमारूफ गौस बाबा जुनेदी साहब का मेट्रो फंक्शन हॉल में मनाया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती हजरत सैयद शाह इस्लामुद्दीन अहमद कादरी अलमारूफ वसीम बाबा बारगाह सज्जादा नशीन बारगाह नीलूर शरीफ और ज़ेर सरपरस्ती हज़रत सैयद शाह हैदर अली पाशा खादरी सज्जादा नशीन बारगाह नीलंगा शरीफ। और ये जो प्रोग्राम मेट्रो फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सबब था, हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मान तमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। वही हमारा सबब था कि मस्जिद के पेश इमाम और मौज़िन को बुलाकर यहाँ पर जो है ना उनकी शाल पोशी करें, उनको फूल पिनाएँ और उनको तोहफे दें, क्योंकि वो जो उलमाए दीन जो अपनी ज़िंदगी वफ कर चुके हैं दीन इस्लाम के लिए, जो मस्जिद में पंचगाना नमाज पढ़ाते हैं और मस्जिद की साफ सफाई करते हैं, और आप और हमको दीन इस्लाम के कई सारे मसले मसाइल से वाबस्ता कराते हैं, तो यही सबब था जिसकी वजह से मस्जिद के पेश इमाम और मौज़िन के ये तोहफे पेश किए गए। और हमारी कौम की माँ और बहनों को जो तोहफे दिए गए हैं और उनका खाने का भी एहतमाम किया गया है, उसका मकसद ये है कि गुरबाओं को बर्थडे तो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल हर कोई नहीं करता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अल्लाह मुझे गरीबों में रख और गरीबों में उठा। तो हमारा सबसे पहला फरीज़ा ये है कि हम जब कभी भी कोई काम करें तो सबसे पहले गरीब का ख्याल करें, कि गौस बाबा जुनेदी का यही कॉन्सेप्ट था कि गरीबों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो अपन बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही कॉन्सेप्ट था। मैं गौस बाबा जुनेदी साहब को
आपकी योम पैदाइश के दिन की पुरखलूस मुबारकबाद तहे दिल से पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और उनके नेक मकासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और रब जुल जलाल उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बस इसी के साथ मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही फख्र की बात और बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे आज यहाँ पर 1500 से 2000 ख्वातीन को कपड़े साड़ियाँ तकसीम किए गए, हैंडीकैप्स को कपड़े तकसीम किए गए, मौजून और इमाम को जो है कपड़े और हदिया तकसीम किया गया और यहाँ पे 2000 लोगों को खाने का इंतज़ाम किया गया। यौम पैदाइश के जनाब डॉक्टर गौस बाबा जुनेदी साहब के यौम पैदाइश के मौके पर तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पर जितने तमाम लोग मेरे टीम के बुलंद प्रवास इत्तेहाद कमेटी के और नूरानी महिला इत्तेहाद सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारों को मैं अपने दिल के अमीक गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अवामुन नास की जानिब से, तमाम मेरे टीम की जानिब से, तमाम नूरानी मोहल्ला इत्तेहाद सोसाइटी की जानिब से जनाब डॉक्टर गौस बाबा जुनेदी साहब को 35वें यौम पैदाइश की पुरखलोस मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पे तमाम लोगों ने आकर अपना कीमती वक्त निकाला, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे तमाम सोशल मीडिया के जितने साथी थे, गोहाज, गुलबर्गा 24, गुलबर्गा हेडलाइंस और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के मेरे साथी थे, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जितने मेरे माँ और बहनें हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने देखा कई किस किस तरह से बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन आज हमें यहाँ पे गौस बाबा जुनेदी साहब का बर्थडे मनाकर हमें फख्र हो रहा है और हमें खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने 4 दिन पहले जब गौस बाबा जुनेदी साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन के ताल्लुक से बात की तो गौस बाबा जुनेदी साहब ने हमें ये हिदायत दी कि जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेट्रो पैलेस फंक्शन हॉल में हज़रत सैयद इस्लामुद्दीन अहमद कादरी और हज़रत हैदर वलीउल्लाह पाशा नीलंगा के सजादा नशीन के ज़ेर सरपरस्ती में गुलबर्गे के तमाम मस्जिदों के इमाम लोगों की और मौज़न लोगों की गुलपोशी हुई और उसमें लेडीज़ का भी साड़ियों का, उसके बाद लेडीज़ के साड़ियों का भी प्रोग्राम का हुआ, जिसके मेरे दोस्त नजीब बाबा और कंडियार साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन अब्दुल लतीफ़ जुनेदी साहब, ये लोग सब मेरे साथ मेरे जन्मदिन के मौके पर तकसीम किया जा रहा है मिल्लत नगर इत्तेहाद कमेटी की तरफ से और नूरानी मोहल्ला इत्तेहाद कमेटी की तरफ से। ये लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनेदी अलमारूफ गौस बाबा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनके यौम पैदाइश के मौके पर आज जो मेट्रो फंक्शन हॉल में इंतमाम किया गया है, गौस बाबा जुनेदी साहब का मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज गौस बाबा के जो चाहने वाले हैं उन्होंने मेट्रो फंक्शन हॉल में जो अहतमाम किया था, मौज़िन और इमामों की गुलपोशी, शालपोशी और जो
भी उनको तोहफे दिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। गुलबर्गा में ये यौम पैदाइश के मौके पर गौज़ बाबा साहब के यौम पैदाइश के मौके पर जो भी एहतमाम किया गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन लोगों को भी जिन्होंने गौज़ बाबा के बर्थडे पे काम किया है। अस्सलामु अलैकुम।